हेलो दोस्तों, पूरी बच्चे में आप लोग का स्वागत है। लेकिन इतने लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। सॉरी, मैं उस समय ना अच्छी तरीके से व्लॉग नहीं कर पाई थी। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पापा मेरे लिए कितने सारे फ्रूट्स लेकर आए हैं, और देख सकते हो मेरे पापा मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आए हैं, और देखो कितनी फ्रेश फ्रेश है ना। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा पापा इसे कहाँ से ढूंढ कर लाए होंगे, इतनी ज़्यादा इतनी फ्रेश फ्रेश जो है ना ये स्ट्रॉबेरीज हैं। और मेरे पापा बेर भी लाए हैं, अंगूर भी लाए हैं, कितने अच्छे अच्छे हैं ये अंगूर। और देखो मेरे पापा देखो पपीता भी लाए हैं। किनको किनको अच्छा लगता है पपाया ये ज़रूर बताना। मम्मा हेलो कर दो। हेलो, कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे। हाँ तो पापा ने देखो संतरे भी लाए हैं, बहुत टेस्टी। एक बात और बता दूँ कि मैं इसमें व्रत भी रखती हूँ इस फेस्टिवल में, तो मैं पहले कोई सा भी ऐसे फ्रूट नहीं खाऊंगी। मुझे पहले पूजा करने आके करनी होगी तभी मैं खा सकती हूँ, ठीक है? तो मैं भी व्रत रखती हूँ गाइस, तो चलो। तो अभी हम लोग आए बेलपत्री लेने, क्योंकि इधर तो कहीं है नहीं, तो चलिए आगे हम लोग लेने चलते हैं बेलपत्री। फाइनली हम लोग मंदिर में एंटर कर चुके हैं। दीदी दीदी हेलो, इधर बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। जो बन रही है हाँ, इतनी भीड़ है कि इतनी लंबी लाइन है। देखिए मध्य से यहाँ पर जो फूल पेड़ बेलपत्री निकल रहे हैं, तो ये लोग जो है सब इनको अलग अलग कर रहे हैं, फिर उसको बाद में सभी लोगों को प्रसाद के रूप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, लगभग 12 बज चुका है, और आप लोग मंदिर का हाल देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, और हमारे कॉलोनी का ही मंदिर है। देखिए यहाँ पर जो है पंडित जी जो है सबको प्रसाद वितरण करते हुए देखा बैठे हुए हैं। बहुत देखिए अभी बहुत भीड़ है, देखिए मतलब दिन का 12 बज चुका है, और देखिए भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसलिए लेट आए ताकि भीड़ कम हो। देखिए सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर जो भाभी जी मिल चुकी है, हाय कर दीजिए। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपको और देखिए यहाँ पर जो है, देखिए सब लोग यहाँ पर जो पूजा करने के लिए आए हुए हैं, भव्य मंदिर का स्वागत करने के लिए सभी लोग आए हुए हैं। बस बहुत लंबी लाइन जो है यहाँ पर लगी हुई है। हम लोग अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और देखिए सभी लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। बस हो गया, कहा तो सर तो हनुमान जी बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर जब पूजा अर्चना जो चल रही है, सभी लोग पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पर पीड़ू भी जो कर रही है। तो अब है मम्मी की बारी। तो देखिए हम लोग पूजा जो अंदर की तो हो चुकी है, हम लोग और जगह जा रहे हैं। यहाँ पर जो हनुमान जी बना हुआ है उनकी भी हम लोग पूजा लाइन देख सकते हैं। लाइन देखिए कि यहाँ पर जाकर कितनी लंबी लगी हुई है। यहाँ से स्टार्ट होके सड़क से जो है स्टार्ट होके बिल्कुल अंदर तक देख सकते हैं आप लोग लाइन। यहाँ पर जो है पूर्णिमा भी यहाँ पर शिव जी जी को जो है बेलपत्री जो है चढ़ा रही है, और यहाँ पर जो है अभी सब भक्तों का भक्ति भाव जो उमड़ रहा है, ठीक है ना। पर देखिए जो पूर्णिमा जो है चढ़ा रही है धूप बत्ती, जल चढ़ा दो बेटा जल। और ये हमारी कॉलोनी का बना हुआ जो है मंदिर है, जो है मंदिर की सबसे भव्य जो मूर्ति है यहाँ पर, जो आप लोग देख सकते हैं शिवजी जी की, भैरव बाबा जी की, और हनुमान जी की। पूर्णिमा शनि भगवान जी की जो पूजा करने के लिए जा रही हैं, तो चलिए आप लोग को शनि भगवान जी के भी दर्शन करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब लोग जो शनि भगवान जी की भी जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब पूर्णिमा भी लग गई है लाइन से, अब पूर्णिमा भी जो है पूर्णिमा सब भगवान जी के हाथ जोड़ लो। हाँ हाथ जोड़ बेटा। जय पूर्णिमा यहाँ पर जो पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए सब लोग आज जो पूजा अर्चना में जो लगे हुए हैं, बहुत ही जो है मतलब अच्छा आनंद आ रहा है यहाँ पर, भक्ति भाव सबका जो उमड़ रहा है यहाँ पर, जो सब लोग जो पूजा पाठ में आज के दिन लगे हुए हैं, और भगवान जी को दिल से याद कर रहे हैं, बोलना सबकी इच्छा पूरी करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
यहाँ पर जो है सभी लोग जो है पेड़ पत्ती और जो है फूल और पूरा जो है बेच रहे हैं यहाँ पर जो है सभी लोग। मंदिर में जो हनुमान जी का मंदिर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो है चाचा जी ने बनवाया है यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर। और देखिए सभी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं और पूर्णिमा भी लाइन से लगी हुई है। और देखिए और देखिए हम लोग यहाँ पर जो पंडित जी के पास आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए। नमस्ते पंडित जी। देखिए हम लोग जो प्रसाद लेंगे यहाँ पर, हनुमान जी का लग रहा है। प्रसाद मिल गया। देखिए नाश्ता मम्मी ने हमें दे दिया है और ये देखिए हम लोग खा रहे हैं व्रत में, ये व्रत वाले आलू और इसमें मतलब वो धनिया वनिया डाल के बहुत अच्छे से बनाया जाता है। और हम खा रहे हैं मूंगफली जो मुझे अच्छी लगती, और हम खा रहे हैं मखाने। मैं थोड़ा खा भी लिया है और ये बहुत यम्मी है। मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊं, बहुत ही यम्मी है यार ये तो, और मुझे तो हाथ से खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं इतनी लंबी राइड के लगने के बाद, हम लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, तो हम लोगों ने नाश्ता वास्ता करा। नाश्ता वास्ता खाने के बाद यहाँ जो पेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत भर गया। और मम्मी देखो इधर, मम्मी हमारा नाश्ता कर रही। मम्मी देखो तो, हेलो कर दो, क्या खा रहे हो? अच्छा बताओ, खा लिया पूरा, फिनिश कर लिया? हाँ। अच्छा पापा और देख रहे हैं मैच अपना, और अभी टका टक का वो आ रहा है, शायद से ऐड आ रहा है ना मम्मी? टीवी देख रहे हो आप? आपको मैच अच्छा लगता है देखना? नहीं अच्छा लगता? मम्मी को तो सीरियल दिखवा लो। है अरे सीरियल भी नहीं देखती, तो क्या देखती हूँ मम्मी? मम्मी मेरे व्लॉग देखती है, क्यों है ना? मम्मी मेरे व्लॉग देखती है, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद है। आज चीज की तैयारी हो रही है, गाजर का हलवा बना रही हूँ फोरमा के लिए। अच्छा मेरे लिए गाजर का हलवा? तुम्हारे लिए फोरमा के लिए। अरे तो मैं ही तो हूँ। तुम नहीं हो, पूर्णिमा और है। अरे फिर कौन पूर्णिमा है? गाइस अगर आपका नाम पूर्णिमा है ना तो प्लीज कमेंट में बताना। और जिसका नाम पूर्णिमा है वो सब लोग आ जाओ गाजर का हलवा खाने। अरे राम मेरे लिए तो है ही नहीं गाजर का हलवा। नहीं ये तो गलत बात है। बताओ मेरे घर में गाजर का हलवा बन रहा है पर वो किसी और के लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं खा जाऊंगी कब कब करके, है ना? क्या बना रही हो? जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें थोड़ा ज्ञान दे दूँ की साबुदाने के पापड़ को किस तरीके से लिखते हैं और पीछे भी ऐसे लिखते हैं, और ज्ञान देवी को और ये पीछे से कुछ ऐसी लिखते हैं बट आगे से थोड़े अजीब से लिखते जा रहा है। ठीक है यम्मी। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, आप क्या कर रही हो? मैं चाय पी रही हूँ, अच्छे लग रहे ना पापड़? पता है थोड़ी देर मैं रखती ना थोड़ा क्रंची क्रंची से होगा। आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही है, मैं तो मम्मी बहुत आज सभी लोग सुंदर लगते हैं। नहीं मम्मी तो मैं हमेशा ही सुंदर लगती है, है ना? क्योंकि पूर्णिमा अच्छी है ना, इसलिए मम्मा अच्छी है। चलो गाइस कम से कम थोड़ी सी मेरी तारीफ तो हुई। तुम्हारे लिए कूटू के आटे की पकौड़ी। कूटू के आटे की कूटू के आटे पटम में पता नहीं कूटू के आटे फिर से मत दिखाओ। कूटू के आटे की पकौड़ी पर इस बार तो मैंने सही बोला, तो हमारी मम्मा यहाँ पर बना रही है कूटू के आटों की पटोर पूर्णिमा की टंग स्लिप कर रही है बार बार कूटू के आटे की। चलो टंग इस चीज़ पे ना, ये वाला वर्ड ना टंग पे
लिस्टर में डालो, देखते कौन कौन बोल पाते। मैं तो नहीं बोल पाती यार, मेरी कुटू की आटे की पकौड़ी। सही बोला, प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिस। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी दही वाली पकौड़ी है वो रेडी है। कितनी ज्यादा यम्मी लग रही है ना। और इसको ना अभी ना मम्मी ना गार्निश करेंगी, और ना ये ठंडी ठंडी ना बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसी। और ये तो हमारी नॉर्मल वाली है, और ये भी बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगती है। वाह, अभी हम लोग आ चुके हैं थोड़ा वॉकिंग करने, क्योंकि मम्मी ने बोला बहुत सारे फल वल खा लिए ना, तो थोड़े डाइजेस्ट होने चाहिए। तो क्योंकि हम लोग सुबह से ना इतना खाए जा रहे कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। ये खा रही है, मैं नहीं खा रही हूँ, मेरा तो व्रत है, लेकिन इसका चरत है। हाँ चलो, अब जल्दी से ना हम लोग वॉकिंग करते हैं। मैं आप लोग को और बात बताऊँ, हम लोग आए जिम पार्क में, तो आज मम्मी ने ठान ली कि मम्मी आएंगी जिम पार्क में, तो मैंने भी सोचा हाँ चलो मम्मी चलते हैं। तो चलो मैं आप लोग दिखाती हूँ जिम पार्क के कुछ नज़ारे। ये देख सकते हो आप लोग, कितने सारे लोग इधर वॉकिंग कर रहे हैं, और इधर तो पूरा अंधेरा है, अभी लाइट इधर भी लगी है ना मम्मी। हाँ। इधर तो लगी चुकी है। जिम पार्क में हम लोग बहुत बार आए हुए हैं, है ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ने डिनर में ये खाया, इतना ज़्यादा यम्मी था ना। मतलब ये कुटू के आटे की मतलब क्या होती है, जैसे ये समझ लो कचौड़ी जैसी होती है, और उसके बाद हम आलू टमाटर की सब्जी खाते हैं, व्रत में बहुत यम्मी लगती है। तो हम लोग तो हमेशा यही खाते हैं, और हमें बहुत यम्मी यम्मी लगता है। और ये ना जो ना मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी ना, जो ना दही में डाल के वो दही में उनको डाला जाता है ना पकौड़ियों को, तो ये ना आपके घर किसी को नहीं पता होती है ना। तो चलो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।